सबसे पहले इस पूरे सेशंस को पीछे जो रीजन था, तो इन 2008 में ये कहां से इंस्पिरेशन मिला मुझे पता नहीं कि मैं चाहता हूं कि मेरे इंग्लिश इंप्रूव होनी चाहिए। तो इन 2008 मैंने एक लव लेटर लिखा था एंड दैट इज इन इंग्लिश। तो जिसको लिखा उसको तो समझ में नहीं आया, उसने दे दिया उसके भाई को। उसके जब भाई को जब दिया तो उस भाई ने जब पढ़ा तो शायद उसको भी कुछ आधा ही समझ में आया। वो मेरे पास आया, मुझे बुलाया और मुझे दो थप्पड़ लगा दिए। तो मैं सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो लिखा था ना ही मुझे समझ में आ रहा था ना ही उसे समझ में आया, और उसके भाई को कुछ और ही समझ में आया, और आखिर में मुझे जब दो थप्पड़ पड़े तब मुझे समझ में आया कि मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए। अभी आप में से कितने लोग हैं कि इम्प्रूव करने के लिए थप्पड़ खाने के लिए तैयार हैं? चले अभी थप्पड़ खाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी लैंग्वेज अगर मुझे सीखनी है या मुझे समझनी है तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो उसके पहले हम लोग जो आज के सेशन में देख रहे हैं पूरे, तो उसमें ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोई भी लैंग्वेज सीखी जाती है, या दूसरा चीज क्या कारण है कि मैं अपनी जो लोकल लैंग्वेज है या मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है जो मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, और क्या कारण है कि मैं इंग्लिश को एक लैंग्वेज होने के बावजूद भी उसे अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सीक्वेंस को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मैंने इंग्लिश को सीखा है और किस तरीके से मैंने जो हमारी जो राष्ट्रभाषा है जो हम लोग हिंदी में बात करते हैं उस प्रकार से सीखा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो जब मैं हिंदी भी आप लोगों ने सीखी है क्या है कि वो मुझे सबसे पहले क्या आना चाहिए, स्पीक टू योर लैंग्वेज, देन रीड टू योर लैंग्वेज एंड लिसन टू, या हम लोग बोलते हैं राइट टू योर लैंग्वेज। क्या करना है? राइट। ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब मैंने हिंदी सीखना शुरू किया तो पहले क्या किया, पहले मेरा सीक्वेंस क्या था, मैं बोल रहा था। क्या कर रहा था? बोल रहा था, दैट इज स्पीकिंग। क्या है? स्पीकिंग। तो मैंने इंग्लिश बोलना शुरू, हिंदी क्या किया, बोलना शुरू किया। फिर उसके बाद जब आया तो मैंने उसको धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, उसको जब मैं प्राइमरी में गया तो मैंने हिंदी को लिखना शुरू किया, और लिखने के बाद फिर बाद में उसे पढ़ना शुरू किया। मैंने कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है सबके साथ। कोई सुपरमैन था कि जैसे ही पैदा हो गया लिखना शुरू कर दिया? नहीं था ना। तो इस प्रकार से ये कौन सा सीक्वेंस है हमारे लोकल लैंग्वेज का, जब हम लोग राष्ट्रभाषा बोलते हैं उसका हिंदी का। तो यही कारण है कि आज हमें हिंदी बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, पढ़ना भी। लेकिन जब मैं इंग्लिश सीखने के लिए गया तो मेरा सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से था। तो सबसे पहले हम लोगों ने रीड करना शुरू करे, बाबा ब्लैक सिख वो देना बोले लीटर सीकर नो पप्पा लाइक दैट जॉनी जॉनी यस पप्पा, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड थे। तो या धीरे धीरे हम लोगों ने उसको शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश को लिखना शुरू किया, ए बी सी डी एफ जी एस जो भी हो, या आपने वर्ड्स लिखना शुरू कर दिए। और उसके बाद हम लोग कौन से सीक्वेंस पे आए कि मुझे अभी बोलना है। क्या करना है? बोलना है। तो समझ आया दो बेसिक डिफरेंस क्या है, एक मेरी हिंदी लैंग्वेज है
जिसे मैंने सबसे पहले बोलना शुरू किया, फिर लिखना शुरू किया और बाद में पढ़ना शुरू किया। और यही चीज अगर हम लोग जब इंग्लिश में करने गए तो हमने लिखना तो शुरू किया, ठीक है, पहले क्या किया, पढ़ना शुरू किया, बाद में लिखना शुरू किया और बाद में बोलना शुरू किया। तो क्या हो गया, जैसे ही हम लोग लिखते गए, बाद में पढ़ते गए, जब तक बोलने की बारी आई तब तक हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आगे बढ़ ही। तो ऐसे आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं कि आपको इंग्लिश समझ में तो आती होगी, जो बोलते हैं साधारण समझ में आता है, जनरल वर्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि जो वर्ड्स मुझे सुने हैं, जो वर्ड्स मुझे आते हैं, फिर भी मैं उसे बोल नहीं सकता। क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और सीक्वेंस में कैसे बोला जाता है वो पता नहीं है, और वर्ड्स पता नहीं होते हैं, ये बहुत सारी चीजें। तो अब मुझे बताइए कि कोई भी लैंग्वेज जब आप बोलते हो, या अभी मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हो, तो ये कहाँ से आता है? कोई भी लैंग्वेज अगर हम लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इट मीन यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। अभी क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं जब भी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलते जाते हैं, तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते हैं, सोचते हैं, लेकिन सोचते किसमें है, हिंदी में सोचते हैं, फिर अंदर से निकल कर जब जवान बनाता है तब इंग्लिश में आता है, ठीक है। तो ये फिल्टरेशन होने के कारण क्या कर रहे हैं, हम लोग फिल्टर लगा रहे हैं। मतलब अगर मुझे बोल रहा है कि कहीं पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सोचूंगा कहीं पे मैं जा रहा हूँ, फिर क्या बोलना पड़े, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, होता है ना, ऐसे हो रहा है। तो क्या है, ये फिल्टर लगाया, और जब आप फिल्टर लगाते हो तो कहीं ना कहीं हेजिटेशंस आ जाता है, आपके माइंड में डर पैदा होता है, आपको सोचने लगते हैं कि मेरा ग्रामर बराबर है कि नहीं, मैंने जो वर्ड्स यूज किया है वो बराबर है कि नहीं, तो उस कारण हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो हमें करना क्या है, तो वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश, क्या करना है, इंग्लिश। अभी मुझे ये बताइए कि आप जो भी सोचते हो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, आता है। अगर मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में कुछ भी बात कर रहा हूँ, आई गोइंग टू द कॉलेज एंड टुमारो द आई विल देयर एंड कुछ भी बात कर रहे हैं आप, जो भी गलत हो या सही हो, लेकिन मुझे तो समझ में आया, मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं खुद ही सोच रहा हूँ। लेकिन अब जब हम लोग दूसरों को जब बताने जा रहे हैं या दूसरे को जब बात करने जा रहे हैं, तो उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ हिंदी में और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थिंक इन इंग्लिश, क्या करना है, इंग्लिश में सोचना है। और जब तक हम लोग सोचेंगे ही नहीं तब तक हम लोग बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले समझ में आता है कि मुझे अगर कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़नी है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि हिंदी में सोचूंगा और फिर जाकर उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज जब भी हम लोग बात करते हैं वो कंटिन्यूसली करना पड़ता है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो, हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ पे लो हो जाता है, जब आप स्लो डाउन हो जाते हैं, क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाते हैं। अगर आप अटक अटक के बात करोगे, हाँ आई गो टू द पार्क एंड माई गर्लफ्रेंड इज वेटिंग, ऐसे बात करोगे, नहीं, आई एम गोइंग टू द पार्क एंड माई गर्लफ्रेंड इज वेटिंग फ्रॉम लास्ट one an hour and she is so angry because of I am so late. Now she hunt me and run me behind the car and out of the slap hardly to the me and I am crying. क्या होता है, ऐसे बात की जाती, क्या हो जाता है, ऐसे बात की जाती, because of that there is no filtration when you are talking, there is no filtration, and if there is filtration you can't talking fluently, you can't talking fluently. तो क्या करना है, सबसे पहले सोचना शुरू करना है, किसमें सोचना है, किसमें सोचना है, इंग्लिश इंग्लिश
में ही सोचना है, ऐसा नहीं हिंदी में सोचेंगे और इंग्लिश में बात करोगे, ऐसा करोगे तो आपको मार पड़ने वाली है, ठीक है। यू कैंट इम्प्रेस द पीपल विदाउट दैट। देन सेकंड, एक तो बात मुझे समझ में आई कि मैं इंग्लिश में अभी सोच रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया। देन दूसरी चीज आपको क्या करना है, टॉक टू यूर सेल्फ। हमारी प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो हमें कोई चाहिए। आप जब बोल रहे हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़नी है तो मुझे क्या चाहिए, कोई, अरे मेरा साथी होना चाहिए, मेरे रिलेटिव्स होने चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता है? बहुत बार हम लोग दो दोस्त डिसाइड करते हैं कि नहीं हम लोग आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, फिर वो शुरू कर देता है, फिर बोलता है जान दो यार अपनी लैंग्वेज अच्छी है, होता है। तो वी डिसाइड तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उसको पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट ग्रोइंग इन दैट एनवायरमेंट। अगर यही जाकर मैं आपको बोलूंगा कि आपको इंग्लैंड में जाकर रहना है, तो यू हैव टू टॉक, बिकॉज ऑफ दैट द सराउंडिंग जो है वो पूरा इंग्लिश में लोग बात कर रहे हो, तो यू कांट सर्वाइव इफ यू डोंट नो द इंग्लिश, बराबर है। तो देन यू हैव टू टॉक देयर। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो सराउंडिंग है, तो देयर आर मेनी ऑप्शन, समटाइम्स वी टॉक इन मराठी, समटाइम्स वी टॉक इन हिंदी, ये तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जब ऑप्शन अवेलेबल है तो आसान रास्ता किसको अच्छा नहीं लगता है, कौन जाकर इतना बात करेगा, वो इतना हेडेक बढ़ाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, फिर से कुछ दिन तक चलता है वो, बाद में सामने वाले को भी समझ में नहीं आता और ना ही खुद को समझ में आता है क्या बोल रहे, तो वो सब बंद हो जाता है। तो हमें क्या करना है, टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, तो खुद से बात करना शुरू करना है। अभी खुद से बात कैसे की जाती है, खुद से बातें करते हो कि नहीं करते हैं? तो आप जब कर रहे हो, देखो मैं इंग्लिश में सोच रहा हूँ और मैं ही खुद अपनी बड़बड़ कर रहा हूँ, लोग पागल कहेंगे तो चलेगा, लेकिन जब आप बात कर रहे हो खुद से तो क्या हो रहा है, आपको धीरे 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 आपको समझ में आ रहा है, आपके वर्ड समझ में आ रहा है। अभी आपकी क्या हो गई, सोच कर, पहले तो सोचना शुरू किया, सोचने के बाद बोलना शुरू कर दे, तो किससे बोलना है, टॉक टू ईयर से, अपने आप से ही बात करना है। लेकिन जब भी हम लोग अपने आप से बात कर रहे हैं या हम लोग शुरू कर देते हैं, तो हम लोग अपने एक्सप्रेशन को देख नहीं पाते, या मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन के लिए आप लोगों को जरूरी पड़ेगा यूज अ, क्या यूज करना है, यूज अ मिरर, क्या करना है, यूज अ मिरर। तो क्या करना है, यूज अ मिरर, क्योंकि जब भी हम लोग मिरर के सामने जाकर बात करेंगे तो आपको क्या होगा, आपके रिफ्लेक्शन समझ में आएंगे, क्या करना है, आपके रिफ्लेक्शन समझ में आएंगे। तो जैसे जैसे मुझे मैं जो भी बात कर रहा हूँ, तो हम लोग तो क्या आईना सभी देखते हैं, कितने बार देखते हो दिन में, बहुत बार देखते हैं, लेकिन क्या कभी आईने में सिर्फ देखते ही हो या कुछ बोलते भी हो, बोलते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है टू टॉक इन इंग्लिश। कि जब आप आईने के सामने बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितना एक्सप्रेशन मेरे अच्छे है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कितनी है, जब मैं बोल रहा हूँ उस समय मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ये सब चीजें समझनी जरूरी है। तो पहला चीज क्या किया हम लोगों ने, वी स्टार्ट टू थिंक इन इंग्लिश, देन टॉक टू योरसेल्फ, मतलब खुद से ही बात करना शुरू किया, बाद में यूज अ मिरर, क्या करना है, मिरर का यूज करना है। फिर ये सब चीजें समझने के बाद हमारा तीसरा पोर्शन चलता है कि आपको यू हैव टू फोकस ऑन फ्लुएंसी नॉट ऑन ग्रामर। हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, ग्रामर के पीछे भाग रहे हैं कि ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर आना चाहिए, लेकिन ग्रामर समझ में तो आता नहीं है, और जब तक ग्रामर समझ में नहीं आता तब तक हम लोग लैंग्वेज बोलने का। क्या मुझे आप बताइए, आप लोग मराठी बात करते हो, आप हिंदी में बात कर रहे हो, आपने कभी ग्रामर सीखा है, सीखा होगा जब स्कूल कॉलेज में गए, लेकिन बोलने के लिए सीखा है, नहीं सीखा है। तो ये कैसे आया, प्रैक्टिस से आया,
तो हमें क्या करना है, ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, फ्लुएंसी पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, फ्लुएंसी, कि मुझे इंग्लिश बात करने आनी चाहिए। और जब आप सोचते हो ना, तो यू डोंट हैव नीड टू अबाउट द ग्रामर, ग्रामर विल ऑटोमेटिकली फ्लो, वो होता है धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि मुझे फ्लुएंसी पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, फ्लुएंसी पे। हम लोग ग्रामर को ही देखते बैठेंगे तो हम लोग लैंग्वेज कभी बोल नहीं सकते। तो चलो ये भी समझ में आता है कि फ्लुएंसी पे फोकस करना है, ग्रामर पे नहीं करना है। फिर जैसे ही मुझे ये समझ में आया कि मैंने फ्लुएंसी पे फोकस करना शुरू कर दिया, आई जस्ट टॉक टू योर स्क्वायर, एंड जब मैंने शुरू किया कि मैं मिरर के सामने बात करना शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं फ्लुएंसी यानी कि लैंग्वेज को फ्लुएंटली कैसे बोला जा सकता है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू द ग्रामर। फिर क्वेश्चन आता है आपका टंग ट्विस्टर। मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश में बात करते समय, प्रोनाउंसिएशन। क्या प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज वी डोंट हैविंग दैट मच ऑफ स्पीड। बिकॉज हम लोग जब बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे हमारी जो टंग जो होता है वो हिलती नहीं है इधर उधर, तो क्या करना है, टंग को पकड़ो, उसको खींचो जोर से और छोड़ दे, खींच दे और जोर से जाओ, ऐसा करोगे नहीं करना है। क्या करता है, यू हैव टू प्रैक्टिस। चलो तो टंग ट्विस्टर पे एक प्रैक्टिस हो जाए, द सेंटेंस इज देयर, ठीक है, मैं जब बोलता हूं आप उसके पीछे बोलिए, द 33 थीव्स थॉट दैट दे थ्री द थ्रोन थ्रू द थर्सडे। बोलो एक बार फिर से बोलो, कौन बोलेगा मेरे पीछे, कोई भी एक पर्सन बोलो, कौन बोलेगा, हाँ, द 33 थीव्स थॉट दैट दे थ्रिल द थ्रोन थ्रूआउट द थर्सडे। चलो अभी धीरे देखते हैं, धीरे बोलते हैं, एक एक शॉट, क्योंकि एक दिन में नहीं है। द 33 थीव्स थॉट दैट दे थ्रिल द थ्रोन थर्सडे। क्या कहता है, हंसते, ये समझना बहुत जरूरी, इसलिए टंग ट्विस्टर समझ में आना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट इंग्लिश इज नॉट अवर लोकल लैंग्वेज। अगर हमारी लोकल लैंग्वेज, अभी उसको बोला कि झगड़ा थोड़ा इंग्लिश में करो भाई, क्योंकि बोल ही नहीं सकते हम लोग, अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो हम लोग अपने इंग्लिश में नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे जो जो फ्लुएंसी ऑफ वर्ड्स है, तो ये जो है हमारी जो टंग है ना, उसको पहले खींचो और बाद में छोड़ते जाओ। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ टंग ट्विस्टर। और टंग ट्विस्टर के लिए क्या करना है, जैसे जो वर्ड्स जो है आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको नई चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग यही कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं ना, उससे नहीं होगा। तो टंग ट्विस्टर को आपको यूज करना है, आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो टिपिकल है, हार्ड है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन द लैंग्वेज कम्स आउट, तब जाकर अंदर से निकल के आएगी वो जो भड़ास है ना, वो अंदर से ऐसी आनी चाहिए। तो तभी आ सकते हैं जब आपको लैंग्वेज पे फ्लुएंसी पे फोकस करना है। क्या करना पड़ेगा, फ्लुएंसी पे फोकस करना है, इसलिए प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया सोचना, शुरू किया क्या, थिंकिंग इंग्लिश। फिर जैसे जैसे हम लोग सोचते गए, दूसरी चीज बात करना शुरू कर गया, मतलब टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बात करना है। और फिर जैसे जैसे बात कर रहे हैं तो आप मिरर का यूज कर रहे हैं, हमें फोकस करना है फ्लुएंसी पे, नॉट ऑन ग्रामर।
और उसके बाद वो सब करते समय हमें फिर देखना है कि टंग ट्विस्टर्स कैसे यूज किया जाता है। कि जैसे ही टंग ट्विस्टर्स यूज शुरू कर दिया तो उसके बाद जो आ रहा है वो है आपका लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। तो बहुत बार क्या हो जाता है, आप सभी लोग गाना सुनते हो, ठीक है, जब आप गाना सुन रहे हो तो आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है, हम लोग जो भी सुन रहे हैं उसको बोलिए, रिपीट करना काफी आसान है। इफ आई एम टॉकिंग हियर यू कैन जस्ट जो बोल रहे हैं आपको उसको रिपीट कर सकते हो। तो आप क्या करें, सुन दे रहे हो एंड यू ट्राई टू स्लीप आउट, ठीक है, हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें, कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, लिसन एंड रिपीट, जो सुन रहे हैं वही बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं वही बोल रहे हैं। तो अब आपको बोलना है, जो सुन रहे हैं वो बोलना है, बोलिए, द 33 थीव्स इंग्लिश को सुना ही तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन वी डोंट ट्राई टू रिपीट इट, हमें रिपीट करना है, क्या करना है, रिपीट करना है। और जैसे जैसे रिपीट करते जाएंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरी लैंग्वेज फ्लुएंस हो रही है, क्या बोले, फ्लुएंस की जरूरत क्या है। तो देन जो आता है कि ये तो गया, देन हम लोगों को समझना है ट्रेस ऑन वर्ड। बहुत बार देखा होगा कि इंग्लिश के वर्ड्स कैसे हैं, किसी चीज पे आपको ट्रेस देना है और किसी चीज पर बात करना है। जैसे बात कर रहे हम लोग एड्रेस, क्या कर रहे हैं, एड्रेस मीन हम लोगों ने ट्रेस दिया, एड्रेस। वॉक, क्या कर रहे हैं, ट्रेस, अगर ट्रेस नहीं है तो कुछ नहीं, अच्छा बोलो वॉक, क्या करना है, यू शुड हैव गवर्नमेंट, क्या बोला है, गवर्नमेंट। ये जो ट्रेस नहीं देखोगे ना उस चीज के ऊपर तो नहीं आएगा, क्या हो रहा है, ट्रेस देना बहुत जरूरी, हम लोग ट्रेस नहीं देते, अगर आप बात करते समय उसको ट्रेस ही नहीं दोगे तो वो कैसे होगा, नहीं हो सकता। इफ यू नो दैट कि एक जो हम लोग इंडियन बोल रहे हैं एंड सेकंड इज द फॉरेनर इज देयर, तो वो कैसे बोल रहे, हाँ यस आई कम आउट देयर फ्रॉम द फर्स्ट 4 years फ्रॉम लास्ट 16 days we are sitting here and just waiting for my girlfriend, she's never come out here. So क्या हो रहा है, तो that's कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों पे stress देते हैं, क्या करना पड़ता है, stress। तो ये भी समझना है, जब हम लोग words को देख रहे हैं तो you have to stress on the word, अगर हम लोग stress नहीं दे पा रहे तो उसको proper fluency में convert नहीं करना, क्या करना है, stress, बोला address, wow, this is there, this is there, bye, bye, hello, hello, how are you, how are you, I am fine, what are you doing, I am playing, इस प्रकार से बात करना है, क्या करना है, इस प्रकार से, press should be there, if you don't press the word, तो वो आपको अंदर से प्रेस कर देगा, ठीक है, आपको प्रेस नहीं करना है, आपको ट्रेस करना है, क्या करना है, ट्रेस कर। तो ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं वर्ड्स को ट्रेस कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज और फ्लुएंसी के ऊपर जा रहा है, क्या करें, और फ्लुएंट होती जा रही है, धीरे धीरे मुझे वो चीजें समझ में आ रही है। तो भी जैसे ये हो जाता है कि हम लोगों ने इन सब चीजों के बाद हम लोगों क्या करें, पे अटेंशन ऑन ट्रेस साउंड, क्या करना है, स्ट्रेच साउंड, और जैसे हम लोग को सुनेंगे वैसे ही आपको बोलना है। तो उसके बाद जो आता है वो है सिंग अ सॉन्ग इन इंग्लिश, क्या करना है, इंग्लिश, हमें कोई भी गाना हम लोग सोचते, देखो अगर बात आनी चाहिए ना चीजों को, तो उसको हमें समझना भी पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, अभी कितने लोग इंग्लिश में गाना सुनते हैं, इंग्लिश का गाना सुनते हो आप, कैसे सुनते हो, मतलब कैसे, एयरफोन लगा लेते हो, सुनते हो,
लेकिन क्या उस जितना सुनते हो उतने से समझने कितना आता है? हमें ऐसा नहीं करना है। सिंगर सॉन्ग इन इंग्लिश में मतलब क्या करना है कि जो भी गाना टाइटल के साथ आता है, क्या आता है? टाइटल के साथ आता है, वो गाना हमें समझना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड एंड यू हैव टू प्रोनाउंस देम। उसके बाद एक चीज हमेशा देखिए कि जब भी हम लोग इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ रहे हैं या डिक्शनरी में अगर कोई वर्ड देख रहे हैं तो उस वर्ड को समझने के साथ उसका एडजेक्टिव हो गया या उसका जो टेंस के साथ जो फ्यूचर होता है, जैसे कि मुझे राइट देखा तो आई नो, उसी के साथ आपको देखना है रोड भी होता है और रिटर्न भी होता है। तो दैट विल हेल्प यू टू लर्न इन ग्रामेटिकल पोर्शन को आसान बना देगा। दूसरा चीज, जब भी कोई पर्टिकुलर वर्ड्स देख रहे हो उसके आगे वाला वर्ड और पीछे वाला वर्ड, यानी कि ऊपर का और नीचे का, वो भी देख लीजिए। तो दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। क्या होता है, वही देखोगे, एक ही वर्ड देख रहे हो, फिर से बंद कर रहे हो, फिर से देखना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, हम लोग एक साथ तीन वर्ड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीन वर्ड्स को। तीसरा चीज, जब भी हम लोग वर्ड्स देख रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड When you are reading newspaper, क्या कर रहे हैं हम लोग? इंग्लिश का न्यूज पेपर पढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली अलग अलग न्यूज पेपर पढ़े, ऐसा मत क्या। परचेज एनी न्यूज पेपर इन अ वीक। क्या करना है, हफ्ते में कोई भी एक वीक का परचेज कर लो। यू कैन परचेज ऑन सैटरडे, अगर सजेशन के लिए बोलेंगे तो इट वाज इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज पेपर, क्योंकि इट इज लोकली ये होता है, एडिशन होता है। दूसरा चीज, इफ यू परचेज द एडिशन कॉपी ऑफ सैटरडे, ठीक है, तो उसमें आपको एक ट्विंकल स्टार वाला भी मैगजीन आता है। हाँ, तो उसे क्या हो जाता है कि जो छोटे बच्चों के लिए जो लिखते हैं ना, तो वो आसान लैंग्वेज से लिखते हैं, तो हम तो अभी छोटे ही हैं फॉर इंग्लिश, ठीक है, और इवन द स्टोरी इज देयर, तो थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये भी आप वहां से शुरू कर सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू टू लर्न। लिसन अप, और एक ही पेपर को लो और उसे पूरा फाड़ डालो। फाड़ डालो मतलब फाड़ना है, मतलब पूरा पढ़ना है, हर एक न्यूज को पढ़ो। दैट विल हेल्प यू फॉर दैट। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज एक दिन रहता है, दूसरे दिन पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। हम लोग दिखा तो रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वी हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन दैट। और जनरली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं दैट इज रोड ऑन, वो पास्ट का जो सिंपल पास्ट में जो होते हैं उसमें लिखे जाते हैं, क्योंकि थिंग इज हैपन और चीजें कल जो हुआ है वही न्यूज़पेपर में आता है। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू टॉक इन, हाउ टू टॉक इन पास्ट। यू विल गेट द ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग फ्यूचर में कैसे बोला जाता है। तो दैट विल हेल्प फॉर यू टू ऑल। और जब हम लोग ये सब प्रैक्टिस करना आप शुरू करोगे, जब हम लोग पढ़ना है तो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज चैनल देखना है तो इंडियन देखो, और इनिशियली भी टाइटल के साथ समझना शुरू करो, क्योंकि इंडियन में देखोगे तो आपको इंडिया में क्या हो रहा है वो समझ में आता है, मतलब देखने से कुछ समझ में आता है, फॉरेन का कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो प्रॉब्लम होगा। तो ये जब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है कि व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर यू हैव टू यूज द पैकेट डिक्शनरी, ठीक है, और जिसको भी आप पढ़ रहे हो यू हैव टू अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड्स एंड देन उसको फिर आप डिक्शनरी में देख लो और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। फोनेटिक लैंग्वेज इट्स अ सेकंड लेवल ऑफ इंग्लिश, मतलब प्रोनाउंसिएशन यू हैव टू डू द डेली प्रैक्टिस ऑन दैट। मतलब आप जब देख रहे हो उस वर्ड को तो आपको समझना पड़ेगा कि आप हिंदी इंग्लिश अगर यूज करते हो तो प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो रिटर्न है, तो वो हम तो डेली प्रैक्टिस होगा, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो डे टू डे करते हैं। तो जैसे जैसे हमें एक एक वर्ड समझ में आएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ यू वॉन्ट टू रीड द बुक्स तो यू कैन परचेज द नोवेल ऑल्सो, ठीक है। तो नोवेल्स के
टू मेनी थिंग्स, क्योंकि नॉवेल्स में जो रहते हैं वो सभी डायलॉग्स लिखे रहते हैं. क्या रहते हैं? डायलॉग्स रहते हैं. तो वो डायलॉग्स हेल्प अस. डायलॉग्स क्या है? डायलॉग्स है मतलब जो बोल रहे वही लिखा है. जनरली हम लोग जो बुक में लिखा रहता है वो दैट इज नॉट अ डायलॉग. वो डायलॉग नहीं है, दैट इज द थ्योरी जो लिखे. तो थ्योरी में इतना ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन डायलॉग पढ़ोगे तो यू विल गेट मोर इंप्रूव. मतलब क्या है, इफ आई एम टॉकिंग समथिंग एंड आई सेड राइट, क्या बोला है मैंने? राइट है. तो जब मैंने ये जो राइट बोला है तो दैट राइट मीन्स व्हाट? आर आई जी एस टी राइट. ठीक है. And when I say, please note down and write that particular sentence. अब मैंने जो right use किया है, that is mean WRI. तो ये कब समझ में आएगा? जब हम लोग words को कहाँ पे use कर रहे हो. तीसरा जो होता है कि it is the my right, it is my right to live. जीने का मेरा क्या है? अधिकार है. ठीक है. तो इस समय हम लोगों ने या हम लोगों ने बोला आई वॉन्ट अ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, उस समय मेरा राइट का मीनिंग हो गया अधिकार. क्या हो गया? अधिकार. राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? अधिकार. जब हम लोग कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसको बोला राइट बोला है तो उसका मीनिंग हो गया सही है या गलत है. और जब हम लोग बोले कि राइट डाउन तो इट मीन्स दैट यू हैव टू राइट. ये जो सेंटेंस है वो सिचुएशन के साथ समझ में आते हैं. हाँ हाँ, तो एक बहुत जरूरी है. देखिए कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना है तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीजें हम लोग बचपन में जितना जल्दी सीख सकते हैं वैसे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सीखना कम होते हैं. तो बच्चे क्यों जल्दी सीखते हैं? आप जब लैंग्वेज सीखे तो बच्चे थे या बड़े थे? तो हमें बच्चे बनना पड़ेगा. जब तक हम लोग छोटे बच्चे की तरह सोचेंगे नहीं, छोटे बच्चे की तरह हम लोग सवाल नहीं पूछोगे. छोटा बच्चा तो कोई सोचता नहीं है ना उसको क्या बोलना है, वो तो बोल देता है, वो बोल देता है. तो जब आप बोलना शुरू करोगे तभी आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा, और जब डिफरेंसेस समझ में आएगा तो आपको आना शुरू होगा. दूसरा चीज, आपके माइंड में कोई हेजिटेशन नहीं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैं इंग्लिश आना चाहिए, ये कोई इट डजंट मैटर. जस्ट टेक इंग्लिश इज नॉट द सब्जेक्ट. क्या है? सब्जेक्ट होता है ना हम लोग, जैसे कि दसवीं में इंग्लिश को पास करना है तो वी हैव टू रिक्वायर्ड 35 मार्क्स फॉर पासिंग. तो वी जस्ट टेक इट दैट हाउ टू गेट 35 मार्क्स. बाउंड्री लाइन, दैट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज, यूज इट इज, दैट्स अ लैंग्वेज. इसको आपको समझना है. ठीक है, चलिए. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.